नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ लहसुन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो वीडियो को बिगड़ भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे और आपके पास में बीमारी जो है हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि अस्थमा की बीमारी हमें है तो ये छूट नहीं पाता है और क्या उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों जिन लोगों के घर में सब्जी बनती है लेकिन ये लहसुन जो है, बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसा के कारण जो है वो नहीं डालते हैं या महंगी के कारण, तो इसको इस लहसुन को आप क्या कीजिएगा कि डालिएगा। कम से कम 5 आदमी है तो ये 2 ठंडी के मौसम में ये 2 घुंडी डालना चाहिए और गर्मी के मौसम में 1 घुंडी ये लहसुन और 2 गो छोटा छोटा प्याज डालना चाहिए सब्जी में। ऐसे डालने से गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है और अस्थमा की बीमारी कभी नहीं होती है, पहला नंबर। और कभी जोर हो गया अस्थमा तो जब भी चावल खाना है, भात, तो इसको ऐसे छिलका उतार लेना है और छिलका उतार करके 1 कली भात के साथ खाना है। आपको अस्थमा की बीमारी नहीं होगी, टीबी की बीमारी नहीं होगी और पेड़ पौधा के ऑक्सीजन से यानी प्रदूषण के कारण जब हम लोग को लकवा फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है तो वो बीमारी कभी नहीं होती है। इसमें इतना गुण पाया जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे और आपके पास में खुशियाँ माता दुर्गा जी की कृपा से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसमें इतना गुण पाया जाता है सिर्फ लहसुन में। अगर अस्थमा की बीमारी है तो अस्थमा वाले जरूर खाएं, लेकिन बहुत सिर जिनको है उनको नहीं खाना है। थैंक यू दोस्तों।